हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के नंबर वन सीरियल अनुपमा के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखेंगे कि माया ने अपने पागलपन में कर दी है सारी हदें पार। वो भूल चुकी है सही और गलत का फर्क। माया की इस खतरनाक कदम से अब मुश्किल हो गया है अनुज का वापस लौटना। आखिर ऐसा क्या कर बैठी है माया और आखिरकार क्यों और किसके कहने पर वो कर रही है ये घिनौनी हरकतें, इन सभी बातों का खुलासा हम आज इस वीडियो में करेंगे आपके साथ शेयर। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेलीबूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरी बात, जहाँ पर आप सभी इस बात को जान चुके हैं कि माया कितनी बड़ी साइको है। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अभी उसका एक टारगेट है और वो है सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया, जिसे वो अपना दिल देके बैठ गई है और उसे पाने की चाहत में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जहां माया जैसी सेम कंडीशन हो चुकी है यहां पर मिस्टर शाह की, वो भी अनुपमा को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए वनराज अब माया का साथ देता नजर आ रहा है और वो दोनों मिलके चलने वाले हैं एक बड़ी चाल जिसमें अनुज वापस कभी नहीं लौट पाएगा अनुपमा के पास। जी हाँ, माया ने अनुज की टिकट्स फाड़ दी, उसको लॉक भी कर दिया रूम में और इतने सब के बाद भी जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने अनुज पर हमला भी कर दिया है। वहीं अनुज माया की इस पागलपन से काफ़ी हैरान है, उसे बिलीव नहीं हो रहा कि माया इस हद तक जा सकती है। माया इतना बड़ा कदम वनराज की सपोर्ट से उठा रही है, ये प्लान उन दोनों का ही है। अब कैसे निकल पाएगा अनुज माया और वनराज के इस चक्रव्यूह से बाहर? क्या अब आसान हो पाएगा अनुज के लिए कभी अपनी अनुपमा के पास वापस जाना, जहां माया ने खुलेआम अनुज को वार्निंग दे डाली है कि अगर तुम गए यहां से तो या मैं तुम्हें मार डालूंगी या खुद सुसाइड कर लूंगी, और इतना ही नहीं छोटी भी नहीं बच पाएगी। अब माया की इन खतरनाक धमकियों से क्या फैसला लेगा अनुज? आपको क्या लगता है दोस्तों, अनुज कैसे निकल सकता है माया के चुंगल से बाहर? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।